हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है लालुद्दीन मिस्त्री और आप देख रहे हैं बिलीव मी। आज गाइस मेरे पास है एक लैपटॉप जो कि एक यूज़ लैपटॉप है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एचपी का ब्रांडिंग यहाँ पे दी हुई है और ये बहुत ही पतला एक लैपटॉप है जिसे मैंने सेकेंड हैंड बाय करा है, करीब 8,000 रुपये देखे। अगर इसकी नए की कीमत की बात करूँ तो करीब 26 से 27 हज़ार ऑनलाइन की कीमत है इसका। इसका कंडीशन आप देख सकते हैं बहुत ही एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और गाइस सेकेंड हैंड लैपटॉप अगर आप लेते हैं तो आप इसका लुक पे नहीं, इसकी फीचर्स पे देख के या फिर इसकी जो ओनर है या फिर आप इसे एक बार यूज़ करके देख लीजिए। इसे मैंने काफ़ी दिनों से यूज़ भी कराया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, आप देख लीजिए। मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ इसको। ऊपर ब्लैक मटेरियल दी हुई है, काफ़ी सॉफ्ट है। और अगर पीछे की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है, ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से। इसका बैटरी स्लॉट रिमूव करने के लिए इसका बैटरी स्लॉट है, यहाँ पे एयर वेंटिलेशन है, ये देख लीजिए। उसके बाद अगर मैं इस साइड बात करूँ तो यहाँ पे एक चार्जर स्लॉट है, यहाँ पे भी एक एयर वेंटिलेशन है। ये है वीजीए पोर्ट, इथरनेट, एचडीएमआई पोर्ट आ रही है, यूएसबी है। इस साइड में ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ एलईडी वगैरह है। और इस साइड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो का पोर्ट यहाँ पे दी हुई है, माइक और स्पीकर का यहाँ पे पोर्ट दी हुई है, यहाँ पे यूएसबी और यहाँ पे एक डीवीडी डाटा दी हुई है। तो बेसिकली यही है। और इसकी अगर स्पेसिफिकेशन आपको जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप वहाँ पर देख लीजिए एक बार, इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन मैंने दे रखी है। मैं इसे ऑन करता हूँ एक बार, उसके बाद दिखाता हूँ कि कैसे। यहाँ पे इसका पावर बटन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो म्यूट का ऑप्शन है और यहाँ पे वाईफाई का बटन है और ये सारा इसका कीबोर्ड है। और यहाँ पे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है, यहाँ पे इंटेल का एक स्टेम लगी हुई है, आईकोर i5 का यहाँ पे इंटेल का प्रोसेसर है और ये इसका माउस पैड है, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक यहाँ पे मौजूद है। तो वैसे इसे ये देखिए ऑन हो रही है, तो फाइनली गाइस मैंने इसे ऑन कर लिया है और आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। मैंने बहुत दिनों से इसे यूज भी किया है, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छा काम करता है। ऐसा लगता नहीं कि सेकेंड हैंड लैपटॉप है और इसका 8,000 रुपये इसका कीमत है, ऐसा कुछ। तो अगर आप सेकेंड हैंड लैपटॉप ख़रीदना चाहते हो, यूज लैपटॉप ख़रीदना ही चाहते हो, तो आप ज़रूर से किसी जो लैपटॉप या कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा जानता हो उसे एक बार देख दिखा लीजिए, या फिर आप खुद से 2-4 दिन तक यूज़ करिए, उसके बाद आप ज़रूर ख़रीदें। यहाँ पे इसका प्रोसेसर का सब कुछ यहाँ पे दिखा रही है, आप देख लीजिए एक बार, 4 GB रैम है, प्रोसेसर क्या है सब देख लीजिए एक बार, ओके। और इसे मैंने काफ़ी दिनों से यूज भी किया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मैंने इसके ऊपर 2-4 गेम भी डाउनलोड करके देखा है, मैंने पबजी इमुलेटर भी डाउनलोड करके देखा है, ये चलती है इसमें। और इसकी अगर बैटरी बैकअप की मैं बात करूं, करीब 2 घंटे तक इसका बैटरी बैकअप दे ही देता है। यहाँ पे देखिए बैटरी लो दिखा रही है, बैटरी काफ़ी लो है। और इसे मैं काफ़ी हेवी सॉफ्टवेयर भी रन कर चुका हूँ और इसे करीब 4-5 घंटे तक मैं एकदम रैंडम यूज़ कर चुका हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं आई है। तो बस फाइनली इसका बैटरी लो दिखा रही है, मैं इसे चार्ज पे बिठाता हूँ। तो उम्मीद है गाइज आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अगर आप एक सेकेंड हैंड लैपटॉप ख़रीदना ही चाहते हैं तो आप ज़रूर से इसे यूज करें, उसके बाद ही आप ख़रीदें। मैंने इसे बहुत दिनों से यूज किया है, उसके बाद ख़रीदा है करीब 8,000 रुपये में देखे। और कंप्यूटर या लैपटॉप के बारे में जो जानता है उसे एक बार दिखा के ही आप ख़रीदें। आपके घर के आसपास जो भी कंप्यूटर की दुकान वगैरह हैं आप उनके पास जा सकते हैं सेकेंड हैंड लैपटॉप के लिए, या फिर आप किसी इंडिविजुअल आदमी से ख़रीद सकते हैं जो अपना लैपटॉप यूज़ ना करता हो। तो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही, और इसकी जो सारी स्पेसिफिकेशंस हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ज़रूर चेक करिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मिलेंगे अगले किसी वीडियो पे, ओके, गुड बाय, थैंक यू।